Hello listeners, in this video we will complete the book Aspect of Language Unit Number 4 और topic है आपका intonation. So intonation में हम क्या क्या cover करेंगे इस topic के अंदर, इस chapter के अंदर. हम tone को cover करेंगे कि tone क्या होता है, intonation क्या होता है और types of tone कितने होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले टोन की बात करते हैं. तो आपने रियलाइज़ किया होगा व्हेनेवर यू स्टार्ट टॉकिंग तो जो आपका पिच है वो कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी आप बहुत स्पीडली बोल रहे होते हैं, कभी आप बहुत स्लोली बोल रहे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका बोलने का टोन होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है काफ़ी टाइम तक. तो ये जो आपका पिच का अप होना, डाउन होना, सेम रहना, ये सब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं टोन. सो अगर मैं एक लाइन की बात करूँ, एक डेफिनेशन की बात करूँ, द पिच में एट टाइम्स गो अप देन गो डाउन एंड इवन रिमेन सेम, द पैटर्न ऑफ वेरिएशन आर फाउंड बाय द डिफरेंट पिचेस, दिस पैटर्न ऑफ वेरिएशन आर कॉल्ड टोन्स. तो ये जो वेरिएशन है इन्हीं को हम बोलते हैं टोन्स. जिस तरह से आप बोलते हैं हाई पिच, लो पिच, इन सब को ही हम किस में इंक्लूड करते हैं, टोन में इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि टोन की, अब इंटोनेशन क्या होता है. सी टोन एंड इंटोनेशन आर सिमिलर, लाइक कभी कभी लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. टोन कैन कोज अ चेंज इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. जिस टोन से आप कोई बात करते हैं वो मीनिंग को चेंज कर देता है. तो ये जो मीनिंग में चेंज आता है इसी को हम इंटोनेशन ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं या इंटोनेशन लैंग्वेजेस बोलते हैं. डेफिनेशन है इंटोनेशन की, लैंग्वेजेस इन विच टोन्स ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द मीनिंग ऑफ अ यूट्रेंस आर नोन एज इंटोनेशन लैंग्वेज, जब इसमें चेंज आ जाता है. There are two basic tones. अगर हम tones की बात करते हैं तो हमारे पास जो main tones हैं वो कितनी हैं, दो हैं. लेकिन हम इससे पहले थोड़ा सा intonation पे ही discuss करते हैं कि intonation में change कैसे आता है एक ही word को अगर हम उसकी tone change कर देते हैं. See if you command someone कि shut the door. सो यहाँ पे जो टोन है आपका वो बिल्कुल अलग है और आप यहाँ पे जो आपका वे है स्पीकिंग का वो बताता है कि आप वहाँ पे क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं. लेकिन अगर इसी की जगह आप अपने टोन को चेंज कर देते हैं शट द डोर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, एक आप एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से कि आप डोर को शट कर दीजिए. सो जो टोन है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है लैंग्वेज पे और जो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है इसी को हम इंटोनेशन ऑफ लैंग्वेज के नाम से जानते हैं. सो डिस्कस करते हैं इसके जो टोन के टाइप्स होते हैं वो मेन टू टाइप्स होते हैं. लेकिन उन्हीं मेन टू टाइप्स के फर्दर टाइप्स बना दिए हैं उसको डिवाइड करके, जिस तरह से टोन चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलिंग टोन की. नंबर टू है राइजिंग टोन, नंबर थ्री है फॉलिंग राइजिंग टोन और नंबर फोर है आपका राइजिंग फॉलिंग टोन. तो इन चार बेसिकली हमारे पास दो ही हैं, फॉलिंग टोन और राइजिंग टोन, और बाकी के जो नंबर थ्री और फोर है वो ऊपर की दो टोन से ही बनाए गए हैं. सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो फॉलिंग टोन में क्या आ जाता है, व्हेन द पिच ऑफ वॉइस इज हाई टू लो, कि पहले बहुत हाई होती है उसके बाद जो पिच है, जो साउंड है, जो टोन है वो लो हो जाती है. तो ये हमारा किस में आता है, फॉलिंग टोन के अंदर आता है. फॉलिंग टोन के अंदर और क्या क्या आ जाता है, जैसे कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कंप्लीट स्टेटमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये क्या है आपका, ये एक फॉलिंग टोन है, एक स्टेटमेंट है, एक कंप्लीट सन स्टेटमेंट है आपका कि सन राइजेस इन द ईस्ट. सो आप देखेंगे जब आप इसे स्पेल करते हैं तो जो टोन है वो हाई टू लो जा रही होती है, इसमें कमांड्स आ जाते हैं, कमांड जो आप कमांड देते हैं किसी को. एग्जाम्पल के लिए पुट योर हैंड्स अप, सो पुट योर हैंड्स अप, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी क्या है, इसमें भी हाई टू लो साउंड होती है. इनविटेशन में डू कम इन, सो डू कम इन मैरिज, सो यहाँ पे जो इनविटेशन आ जाता है, एक्सक्लेमेशन आ जाता है,
क्वेश्चन टैग्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि यू आर गोइंग विद मी, यू आर गोइंग विद मी। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी टोन है वो हाई टू लो हो रही है सेंटेंस में। नेक्स्ट है आपका राइजिंग टोन। तो राइजिंग टोन में क्या होता है, जब आपकी वॉइस पिच, जब आप बोल रहे हैं, वेन एवर यू आर स्पीकिंग, जब आपकी वॉइस पिच लो टू हाई जाती है तो आपका राइजिंग टोन है। अब राइजिंग क्या होता है, आगे को बढ़ना या उगना, तो राइजिंग मतलब लो टू हाई। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, डू यू लाइक टी, ये डू यू लाइक जूस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप क्वेश्चनिंग तो कर रहे हैं लेकिन जो आपका टोन है वो लो टू हाई जा रहा है। इसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर पोलाइटनेस भी आ जाती है, जैसे कि वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव। सो ये भी इसका एक एग्जांपल है, आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो आप इन सेंटेंसेस को खुद भी बोल के देखेंगे तो आपको फील होगा कि जो टोन है वो किस तरह से वर्क कर रही है। नंबर थ्री है इसमें फॉलिंग राइजिंग टोन। फॉलिंग राइजिंग टोन ये किस तरह से काम करती है, इसमें जो आपका टोन का पिच है वो हाई मिड टू मिड लो तक चलता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, हाई मिड टू मिड लो तक चलता है, ये इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, स्टेटमेंट विद पार्शियल अग्रीमेंट हो जाता है, वार्निंग्स आ जाती हैं, कंसर्न आ जाते हैं, और इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि स्टेटमेंट विद पार्शियल एग्रीमेंट, सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि अगर इट इज़ वेरी वेल रिटन, ये क्या है, इट इज़ वेरी वेल रिटन, ये यहाँ पे हमने एग्रीमेंट तो किया कि हम उससे एग्री हैं लेकिन हाफ, मतलब प्रॉपर तरीके से आपका एग्रीमेंट नहीं होता है। वार्निंग्स जैसे कि इट्स नॉट गुड, सो इट्स नॉट गुड लाइंग अबाउट इट, सो किसी भी चीज़ के बारे में झूठ बोलना, इट्स नॉट गुड, तो यहाँ पे एक वार्निंग सेंटेंस भी आपका आ जाता है। कंसर्न सेंटेंस का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू मस्ट नॉट कम लेट। सो यहाँ पे क्या होगा, तो ये क्या है, एक कंसर्न है कि आपको ऐसा नहीं करना। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हमारा कौन सा टोन यूज़ होता है, फॉलिंग राइजिंग टोन यूज़ होता है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा राइजिंग फॉलिंग टोन। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी टोन की पिच होती है वो मिड लो से हाई मिड तक होती है। जो मेन लर्न करने का वर्ड है आपका वो यही है, मिड लो टू हाई मिड, इस तरह से ये वर्क करती है। और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एक्सक्लामेशन आ जाता है, क्वेश्चंस विद पुट ऑफ सस्पेंस, और इसी के अंदर आपका एंथुसियास्टिक एग्रीमेंट्स आ जाता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर दे, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा जो एग्जांपल हो वो। एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन में जैसे कि गुड मॉर्निंग का आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लामेशन विद पुट ऑफ स्क्रैम एंड आयरनी के साथ जब आप इसका यूज़ करते हैं। सो इस तरह से जो चारों टोन्स थी हमारी उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसमें अगर शॉर्ट नोट भी आता है तो फॉलिंग टोन और राइजिंग टोन से रिलेटेड आता है, बट अगर टोन से रिलेटेड या इंटोनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपने क्वेश्चन को एक बेस्ट मार्जिन देने के लिए इनको इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड बी विद अस। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।